रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। एक शॉर्ट सी वीडियो में एक आपको मैं बोला ई नंबर के मुतल्लिक, जो सायका सामल मंजली या जिन भाइयों के इस वक्त ई नंबर नहीं लग रहे हैं उनके मुतल्लिक एक शॉर्ट सी वीडियो मैंने बोला बनाता चलूं, क्योंकि आज एक भाई ने मुझे एक चीज़ सेंड की और बाकायदा ये वहाँ अम्बेसी से इनका वापस आया जी। ऊपर क्या लिखा हुआ है वो आपको दिखा दूंगा। अच्छा, एक चीज़ है जी, मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जिन भाइयों के वीज़े या तो ई नंबर नहीं निकल रखे हैं उनका भी इशू यही है जी, और अगर किसी का ई नंबर निकला हुआ है तो वीज़ा स्टैम्प नहीं हो रखा है, तो उसकी दो रीज़न हो सकती हैं। एक तो यही इशू हो सकता है जो आपको मैं यही मसला हो सकता है जो आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं। दूसरा मसला उनका ये हो सकता है जी, उनका अगर वो सऊदी अरेबिया, वो उनके लिए मसला होगा जो सऊदी अरेबिया में पहले रह के आ चुके हैं, उनका भाई इकामा पासपोर्ट यानी कि कोई भी अगर उनके पास डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं तो उनसे वो मसला उनका क्लियर हो सकता है। कैसे? जो भाई सऊदी में पहले रह के आ चुके हैं वो अपना खरूज वाला पेपर और मतार पेपर पहले ज़रूर चेक करवाएं भाई, वीज़ा लगवाई से पहले, यानी कि मतार पेपर मरहल पेपर अपना ज़रूर चेक करवा लें। कोई किसी किस्म की आपके ऊपर सफरी मामला को लेकर पाबंदी वगैरह तो नहीं है, खरूज वाला पेपर लाजम साथ में भेजें या वीज़ा लगवाई के लिए भेजना है कि आपका भाई खरूज वाला पेपर साथ में लाजम जाएगा, तभी आपका वीज़ा स्टैम्प होगा, वरना वीज़ा स्टैम्प नहीं होगा वो आपको फिर भी वापस भेज देंगे। ये चीज़ है। आपने यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर दिखा रहा हूँ, आपने इन पेपर के मुतल्लक या ई नंबर के मुतल्लक कोई भी किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन लेनी हो तो मुझे व्हाट्सअप के ऊपर रब्ता कर सकते हैं। आज की जो खबर है वो ये है जी, कल मैंने एक न्यूज़ लगाई, कुछ भाई ट्वीट कर रहे थे कि भाई बात तो वही पुरानी होगी, आप अभी सायका सामल मंजली की जो इस इनके महीने वगैरह हैं वो नई तरफ जा रहे हैं तो आप वही बात सुना रहे हैं। यार देखें, जो मामले चल रहे हैं मैंने उनसे आपको अपडेट करना है। अभी जैसा कि सायक खास का जो महीना है वो सायक स्यारा खास हो चुका है एंड आम्बल मंजली का महीना आम्बल तदबीर मंजली हो चुका है, ठीक है जी। इन दो महीनों में है क्या, यानी कि पुराने महीने खत्म, नए महीने इशू, आपको बड़ी पिक्चर दिखा रखा हूं मैं। सऊदी अरेबिया ने बकायदा इसके मुतालिक ऐलान भी कर दिया था और इसके ऊपर अभी अमल भी शुरू हो चुका है। वो कैसे, आपको एक मैं पिक्चर साथ में दिखा रखा हूं मैं। कल एक वीडियो में मैंने बताया, आज ये भाई ने फिर मुझसे रब्ता किया, एक ने मुझे अपनी वो पिक्चर भी सेंड की, यहाँ पर लिखा हुआ देखना, अल महना मुख्तलिफ, ठीक है जी, यानी कि महना अल मुख्तलिफ मखसूस अल महना ऐसे कुछ लिखा आ रखा है और वीजे वापस हो रहे हैं। उसकी रीजन ये है कि साय खास का वो बोल रहे हैं जी, सायक स्यारा खास करवाएं अपने महीने को, आम्बल मंजली वाले जो वीजे हैं उनका आम्बल तदबीर मंजली महीना करवा लें, ठीक है। और इसके अलावा जिन बंदों के ई नंबर नहीं निकल रहे हैं उनकी भी रीजन यही चल रही है। इसके लिए जो भाई अभी तरातरी सूरत सामने आ रही है वो ये है कि आप अपने सऊदी से जिससे आपने वीजा परचेज किया है, आपने किसी भाई दोस्त अखबार किसी एजेंट से लिया है, तो उसके बोले कि पीछे सऊदी से रब्ता करें, या वहां पर आपका बंदा है तो सऊदी के पास चला जाए, उसको बोले कि मैं पैसे लगाता हूँ, कोई मुश्किल नहीं यार, 200-400-500 रियाल भी लग जाए तो क्या टेंशन है, कि आप मेरे साथ चलें और ये जो वीजा हमने इस भाई को भेजा हुआ है इसका जो वकाला है ना उसमें महना चेंज करवाना है। वकाला नहीं चेंज करवाना, वकाले से मुराद ये है कि नाम तो आप ही के वो रहे लेकिन उसमें जो नया महना आ चुका है ना वो ऐड करवाना है पुराने महीने के नाम के ऊपर, तो वो इजीली ऐड भी हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं होगी, क्योंकि लीगल काम है, कौन सा इलीगल काम है जिसकी भाई गारंटी ना हो, लीगल काम है, जाए सऊदी जाकर बात करे, वो उनका सायक खास का है, सायक स्यारा खास कर देगा, आमल मंजली है तो आमल तदबीर मंजली कर देगा, तो वो वकाले अपने वकालों में अपने महने चेंज करवा लें, इंशाल्लाह ताला आपके वीजे लगना शुरू हो जाएंगे और इसका सबूत प्रूफ मैं आपको दिखा चुका हूँ जो वीजे वापस आ रहे हैं।